गुड आफ्टरनून बच्चों, 500 यात्रा चैनल पर आपका स्वागत। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का लेसन नंबर 2 इतिहास। आज हम इसे पूरा कर देंगे। इसके कुछ क्वेश्चन बच रहे थे, जिनमें से कुछ शॉर्ट प्रश्न थे जो दो दो नंबर में कई बार पूछे गए हैं, उन्हें आज क्लियर कर देंगे। उसके बाद ये लेसन पूरा हो जाएगा। पहला प्रश्न है, मौर्य समाज में पशुपालन की स्थिति का वर्णन कीजिए। कभी कभी दो नंबर में पूछ लिया जाता है। पशुपालन मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय था। देखो, कृषि और पशुपालन ही पूरी अर्थव्यवस्था रही है भारत की, मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक और अंग्रेजों के आने तक। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा आएगा। पशुपालन मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय था। राज्य की ओर से चरागाह हेतु भूमि संरक्षित की जाती थी। देखो, मौर्य काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य की ओर से चरागाह हेतु भूमि संरक्षित कर दी गई थी, कि यहाँ पर चरागाहे अपने पशु को चरा सकते हैं। गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊँट, सुअर आदि पाले जाते थे और पशु चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध थी। ये अशोक के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने पशु चिकित्सा की व्यवस्था भी करा रखी थी मौर्य साम्राज्य ने, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला है प्रश्न, मौर्य काल समाज या मौर्यकालीन समाज में, कालीन कर लेना, व्यापार की स्थिति का वर्णन कीजिए। या मौर्य काल में व्यापार की स्थिति का वर्णन कीजिए। देखो, व्यापार जो है दोनों तरह का होता था, यहाँ आंतरिक भी और विदेशी भी, हड़प्पा की तरह ही। मौर्य काल में आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार अच्छी स्थिति में थे। जल व स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। ये लाइन सेम हड़प्पा वाली है। व्यापारिक संबंध कहाँ से थे, इसमें थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। व्यापारिक संबंध चीन, ईरान, मिस्र आदि देशों से थे, ये सारे हो जाएगा। कपड़े के साथ साथ मोती, देखो कपड़ा भारत से सूती कपड़ा बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है, और मसाले, मोती, पत्थर, अगरबत्ती, मसाले, जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत की बनी वस्तुएं निर्यात की जाती थी। इससे देश की महान आर्थिक प्रगति हुई। देखो, बाहर से फ़ौरन मनी आती है, जब निर्यात ज़्यादा होता है तो फ़ौरन मनी आती है, इससे प्रगति होती है आर्थिक। यही काम मौर्य काल में हुआ, इसलिए मौर्य काल समृद्ध बना रहा। तीन चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान रखना है, एक तो कपड़े हर जगह आएंगे, मसाले हर जगह आएंगे, और जड़ी बूटियाँ और मोती हर हाथी दांत की बनी वस्तुएं ये नॉर्मली हर जगह ही आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जड़ी बूटियाँ तो बहुत फेमस रही हैं भारतीय पहले प्राचीन काल में। आगे एक लास्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन समाज में या मौर्य काल में निवासी भूमि पर किन किन फसलों को उगाते थे, यानी कुल मिला के मौर्य काल में कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती थी, ये बताना है। इनकी प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चना, धान, गन्ना, मटर, कपास आदि फसलों को उगाते थे। ये सेम हड़प्पा वाली ही आ जाएंगी, बस वहाँ गन्ने का वर्णन नहीं है, यहाँ है, लगभग वही है। तो ये लेसन आज पूरा हो जाएगा, कल से तीसरा लेसन शुरू कर देंगे। और क्रमवार नोट्स हैं, ध्यान रहे। धन्यवाद।